हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक ठाक होंगे। और अभी मैं यहाँ नहा धो के बैठी हूँ, वहाँ के पूजा हो गई है। नहाना धोना सुबह का वही झाड़ू पोछा एक ही काम है, तो बस वही करके सब आई हूँ। और आज मुझे ज़रूरी है दो काम निपटाने हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ मुझे क्या करना है। मुझे एक तो आज सबसे पहले अपना मंदिर साफ करना है, और आज एक अपने लड्डू गोपाल जी के लिए झूला बनाऊंगी, वो आपके साथ शेयर करूंगी। और पहले करूंगी नाश्ता, और नाश्ता आज मेरा बेटा बना रहा है। मैंने बेटे से बोला नाश्ता तुम बनाओ, और फिर दोनों नाश्ता करते हैं, उसके बाद बनाते हैं झूला और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बने रहिए मेरी वीडियो के लास्ट तक। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ मंदिर धोने। मंदिर में बैनिस और एरियल लिक्विड से धो रही हूँ, और बस कभी कभी तो धुलता है, या तो जन्माष्टमी पे धुलता है, नवरात्रों में धुलते हैं। वैसे तो कपड़े से साफ़ हो जाता है, बस यही एक टाइम होता है इस बहाने धुलाई हो जाती है। पत्थर का मंदिर है, जल्दी गंदा हो जाता है, तो इसे धोना ही पड़ता है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ झूला बनाने। अब मैं झूला की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ये बॉक्स लिया है और कुछ सामान लिया है, डोरी वगैरह ली है। तो मैं अपना झूला बनाना करती हूँ स्टार्ट, और आप लोग देखते रहिए।
तो हमारा झूला बन के तैयार हो गया है और अभी उठी हूँ, बना के नहा के आई हूँ और तब तक बारिश हो गई। देखो बारिश हो रही है, ये देखो बारिश हो रही है, खूब तेज़ बारिश हो रही है। गर्मी हो रही थी, आज पूरा दिन झूला बनाने में ही लग गया। सुबह 12 बजे से बैठी हुई थी और बनाते बनाते 4 बजे तो खाना खाया है हमने। खाना खाने के बाद अभी नहाई हूँ, फिर सोचा थोड़ा आप लोगों से बात कर लूँ, सुबह से बिजी थी। और आज झूला बना के बहुत अच्छा लगा, काफ़ी टाइम से सोच रही थी बनाऊँ तो आज अपने हाथों से बना ही लिया और अच्छा बन गया। चलिए आप लोगों को दिखाऊँ कैसा बना है हमारा झूला। ये देखिए, दिख नहीं रहा है, ये देखिए आप दिख रहा है, आप दिख रहा होगा, ये बन गया हमारा झूला और बहुत खुशी हुई बना के, बहुत अच्छा लगा। और हमारे ये सूट के पम रखे हुए थे, सूट के निकाल के, तो मैंने सोचा कभी किसी में काम आ जाएंगे, तो आज हमारे गोपाल जी के झूले में आ गए। और मंदिर की जो पूरी डेकोरेशन है, जब इसमें गोपाल जी बैठेंगे तो आप लोगों को वो जन्माष्टमी वाले ब्लॉग में मिलेगा देखने को। और जन्माष्टमी की और भी काफ़ी तैयारियां हैं, तो वो भी आपको अगले ब्लॉग में मिलेंगी, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बताना हमारा लड्डू गोपाल जी का झूला कैसा लगा, और पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चलिए चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।